अभी चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ 1% निकालना है इन सारे का, सभी को ऐड करना पड़ेगा। फिर है 2.4 इंटू 1.3 प्लस 2.6 इंटू 1.4 प्लस 2.4 इंटू 1.4, ठीक है। तो चलिए इस पे हम लोग थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो 144 को 196 में ऐड करते हैं, कैसे करते हैं समझिए। इसका 4 उठाए इधर दे दिए, हो गया 200, 140 तो 340। अब 340 में 100 ऐड करते हैं, 160 ऐड कर दो तो हो जाएगा आपका 500, और 9 तो 509। ध्यान दो, 144 प्लस 196 कैसे ऐड करते हैं, 4 उठाए इधर दे दिए, हो गया 200, 200 प्लस 140 मिलके हो गया आपका 340, 340। अभी 340 में, 340 में हम लोग 160 ऐड कर देते हैं तो हो गया आपको 500, तो बचा क्या 9, 509। 509 का अगर 1% निकालेंगे, 509 का अगर 1% निकालेंगे तो ये आपको क्या आ रहा, 5.09, 5.09, ठीक है। चलिए प्लस फिर दिया हुआ 24, 2.4 इंटू 1.3, 2.4 इंटू 1.3, ठीक है। 2.6 इंटू 1.4 और 2.4 इंटू 1.4, इसमें देखो एक खासियत क्या है, मुझे जो लग रहा है वो आपको भी लगना चाहिए। देख लो क्या लग रहा है कि ये है 2.4 इंटू 1.3 प्लस 2.6 इंटू 1.4 प्लस 2.4 इंटू 1.4। ये तीन टर्म के बारे में थोड़ा विचार करो, तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म और तीसरा टर्म, नहीं चौथा भी टर्म। चलो हम इसको फिर से कर देते हैं, गुना ही कर देते हैं। एक टर्म, दो टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, चलिए सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2.4 यहां से हम 1.4 1.5 कॉमन ले ले, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 5। तो 5 को अगर 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 7, 5.09 प्लस 7 प्लस 7, ठीक, 5 5 5 गुना 1.4 70, 14 पंचे 70, एक डिजिट पाए। और इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.3 है, 13 दूनी 26, 260, 13 चौका 52, ऐड कर दिए तो मेरा कितना गया 312। 13 दूनी 26 260 और 13 चौका 52, तो 260 में अगर 52 को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 312, दो डिजिट पहले डेसिमल 312 ऐसा आ गया। और ये सारा का सारा क्या है, स्क्वायर रूट में, तो 7 5 12, 12 3 हो गया 15, 12 और 9 मिलके 9 2 11 हो गया 1521, 1521 और पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब ये इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, इसका स्क्वायर रूट हमको आना चाहिए, याद होना चाहिए इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 1521 का स्क्वायर रूट कैसे हम लोग निकालेंगे। अच्छा ये सोचो थोड़ा, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 50 का स्क्वायर 2500, तो बड़ा चला गया 25 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर बोलो 900, 40 का स्क्वायर 1600, 40 का स्क्वायर 1600 से ये कम है कि नहीं है ये बताओ, है कम। ध्यान दो 1521, 1521 किसके किसके बीच है, 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर इस दोनों के बीच है, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 40 का स्क्वायर 1600 900। और यूनिट डिजिट क्या है इसका, 1, या तो ये 31 का स्क्वायर होगा या 39 का स्क्वायर होगा। अभी 39 का ही स्क्वायर होगा, क्यों 39 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 1600 से ज्यादा नजदीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3.9, 3.9। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन है 2917.2 बटे 2652, तो चलो हम इसको लिख देते हैं ऐसा 29172, ये पॉइंट को इसके जीरो से खत्म कर देते हैं, ठीक है, इनटू 135 बाय 2652। चलो देखो ध्यान देने वाली बात है, 2652 को अगर एक वन टाइम से डिवाइड करोगे तो 2652, इसको अगर घटा देते हैं 2917 में से 2652 घटा देते हैं, ध्यान से 2917 में से 2652 को घटा देते हैं, देख लो मेरा क्या आ जाए, तो 265 और 265 के जो, इसका मतलब 2652 फिर से आ रहा है, यानी वन टाइम और भी, ये बात समझ गए। तो ये 11 बार में कट गया, तो 135 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बार बार बताया है 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 5 5 3 8 3 1 4 और 1 1485।
72.72% ऑफ 429। अभी इसका तो निकालना थोड़ा लग रहा है कि असंभव है, लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है 9.09% का 1/11 होता है, तो उसी का ये क्या है 8 टाइम्स है, उसी का ये 8 टाइम्स है। 72.72% कितना टाइम है 8 टाइम्स, ठीक है। तो 1/11 का भी अगर 8 टाइम्स आप देखोगे तो ये आ जाएगा 8/11। ओके चलो, तो 8/11 हम, मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी मुझे जो लगता है। तो 8/11 को 429 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दो 429, 11 3 33, 11 9 99, 39 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 को 8 से मल्टीप्लाई करो 320, 8 कम करो 312, 40 को 8 से मल्टीप्लाई करो 8 6 32, 320, 8 कम करो क्या हो जाएगा 312। अभी ये हो गया 312, अगर इस दोनों को ऐड कर दिया जाए 14 300 1785 और 12 को मिलके 97, तो हम लोग बोल सकते हैं 1797। और माइनस किससे करना है 5432 माइनस 1797, 1797 बोलते 3 दे दो भाई, तो दे दिया तो हम रख लिए, 3 दे दिया हम रख लिए, तो 3 जैसे दिया ये 1800, ये 1800, ठीक है। तो 1800 हमको क्या कर लेना है, कम कर लेना है, 5400 में से 1400 कम किए तो 6000 आ गया, सॉरी 4000 आ गया, और 4000 में से 400 और भी कम किया तो 3600, तो 3600 32 3 मिलकर के कितना हो गया 3635। ओके, फिर लास्ट है क्या, वाट परसेंट ऑफ, या सीधा सीधे हम वाट बराबर ही निकाल लेते हैं। ओके चलो, तो वाट बराबर या वाट परसेंट बराबर हम निकाल लेते हैं, आ गया 3635/14540। चलो देखो, 5 से हम सॉल्व कर सकते हैं तो कर देते हैं 5 से सॉल्व, 5 7 35, 1 बज गया, 5 2 10, 5 7 35, इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है 5 2 10, 5 9 45, 0 5 8 40, 5 2 10, 5 9 45, ठीक है 0 8। चलो अभी देखो, ये 4 टाइम्स है लग रहा मुझे, 700 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2800, और 27 4 हो जाता है 108, यानी 1/4, और वाट परसेंट इज इक्वल टू 1/4, देन आंसर इज 25%, ठीक है। चलिए फिर से हम आप लोग को ये सजेशन देंगे कि आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, किसी भी तरह का सुझाव आपके मन में उत्पन्न हो तो आप कृपया लिखें कमेंट बॉक्स में जाकर के, और शेयर करना ना भूलें।